Good afternoon to all of you, dear students. Today we are going to discuss about the relation among y, eta, sigma and k. Fourth, जो हमारी लेक्चर थी उसका ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग है उस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, जिसमें इलास्टिसिटी की जो यूनिट है उसमें रिलेशंस हम देख रहे हैं y, eta, sigma, k. In previous class we already studied about the relation between y, eta, sigma, k in first relation and also know about the strain. लेटरल स्ट्रेन जो कि पार्श्विक विकृति थी उसके बारे में भी हमने जाना था. आज हम आगे के जो तीन रिलेशंस हैं उन तीन रिलेशंस को समझेंगे और कैसे वो तीन रिलेशंस हैं और कैसे वो इम्पॉर्टेंट और कैसे बहुत इजी वे में आप उसे डिराइव कर सकते हैं. उस डेरिवेशन पर हम आज बात यहाँ पर करेंगे. ठीक है, तो चलिए. रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वाई ईटा सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के डेरिवेशन को हम जानेंगे. हम y से भी परिचित हैं, ईटा से भी परिचित हैं, सिग्मा से भी बात परिचित हैं. आज जो हम बात करने वाले हैं मेन जो बात होगी वो बात होगी ईटा के बारे में. ईटा के बारे में हमने बहुत कुछ पहले से पढ़ा है कि जो ईटा होता है वो एक्चुअल में होता है जो फोर्स स्ट्रेस अपॉन होता है स्ट्रेन. बट स्ट्रेन कैसा स्ट्रेन होता है? शेयरिंग स्ट्रेन होता है. तो हम यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन की मेन बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक फिगर की हम बात करते हैं. ये फिगर, इस फिगर में देखिए कि जो हमारा नॉर्मल फिगर जो आपका एक क्यूब लिया हुआ था वो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है. इस क्यूब के अंदर जो है उसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल हमने ली हुई है. उसका जो फर्स्ट फेस ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा होगा वो ए बी सी डी पर डायगनल हमने दो ड्रॉ किए हैं, एक ये और एक ये, जिससे ये बताने के लिए कि चूंकि एक स्क्वायर है एक वर्ग है तो ये एंगल 45 होगा, ये एंगल, सभी एंगल जो इसके ब्रेक हुए हैं वो पूरे कितने होंगे? 45 होंगे. अब हम इस पर फोर्स लगाते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, जिससे इसका शेप जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि हमको बात करनी है शेयरिंग स्ट्रेन की. तो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए इसका शेप चेंज होगा और शेप चेंज होगा तो जो एंगल जनरेट होगा टू नेचुरल जो उसकी इनिशियल लेंथ थी उससे, उस एंगल को ही हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन. फाइन, स्ट्रेस की हम फिर बात करते हैं. तो लेट्स गो. सबसे पहले देखिए, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स जो हुआ, हमने जब फोर्स लगाया तो जो फिगर आया वो कुछ इस प्रकार का आया. इसमें d जो है वो आगे बढ़ के d' हो गया, जिसकी लेंथ को हमने जो इंक्रीमेंट हुई इसको स्मॉल l लिया, और जो c था वो आगे बढ़ के क्या हो गया? l. ठीक है, अब ये जो एंगल आपका बना हुआ है जो शेप चेंज करने के लिए वही आपका है एक्चुअल में phi. ये जो phi है दैट मीन्स शेयरिंग स्ट्रेन. सो ईटा एक्चुअल टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो होता है. टेंजेंशियल स्ट्रेन फ्री और phi, और phi की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें जनरली तो चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं इसमें ये फिगर जो था, इसको समझने के लिए ये फिगर हम फिर से यहाँ पर हमने ले लिया है. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब हम टेन फाई फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो फाई इज इक्वल टू टेन फाई इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स डी डी डेस अपॉन डी ए. डी डी डेस अपॉन डी ए, डी डी डेस दैट मीन्स स्मॉल एल, और डी ए मतलब कितना होगा? कैपिटल एल. सो फाई इज वेरी स्मॉल, सो अगर टेन फाई को हम फाई लिखें तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल एल अपॉन एल. अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ले लीजिए कि एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस. ये आर्क हो गया और ये क्या हो गई? आपकी रेडियस हो गई. तो आर्क एल है और रेडियस कितनी है? कैपिटल एल. तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. करेक्ट. नाउ सी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी डेस. ये सी आर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना है, सी आर इज ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी डेस हमने लिया. ठीक, अब अगर हमारा जो एंगल बन रहा है सी आर सी डेस, ये जो ट्राइंगल एक बना हुआ है सी आर सी डेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो सी आर सी डेस में साइन 45 हमने लिया है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री का होगा. क्यों 45 डिग्री का होगा? क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि डायगोनल जब ड्रॉ करेंगे तो 90 दो पार्ट में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, इसलिए 45 45 वो होगा. इससे हम टेन 45 अगर लेंगे तो उस कंडीशन में साइन 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारा आर सी डेस होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा? एल डेस होगा, एल होगा. तो आर सी डेस अगर फाइंड आउट करें तो एल इंटू टेन 45 पर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. सो 1/√2 हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, जिससे एल अपॉन रूट ऑफ टू आ गया. नेक्स्ट, नाउ सिग्मा इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो. लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ा था. ओके, अब वाई इक्वल टू 1/α भी हमने निकाला था लास्ट क्लास में. ठीक है,
सो वाई इक्वल टू 1 बाय अल्फा इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी जो हमने एक वीडियो लेक्चर लिया था उसमें हमने क्लियर किया था पिछली क्लास में भी कहाँ से ये डेराइव हुआ था। आर सी डेस की वैल्यू यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आर सी डेस जो था उस आर सी डेस के बारे में हम बात कर रहे थे। आर सी डेस एक्चुअल में आपने देखा था कि वो एक्चुअल में लेंथ में जो वृद्धि है इंक्रीमेंट हुआ है ए सी के, उसको शो करता है कि जो ए सी की ए सी आपका जैसा था आपने देखा था कि ये पोर्शन जो है सी डेस है और ये आपका सी है और ये सी है और यहाँ पर हमने लिया था आर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। पहले ये ए सी था, अब ये क्या हो गया है ए सी डेस हो गया है, दैट मीन्स इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट के लिए जो फॉर्मूला था वो स्ट्रेस के कारण था, स्ट्रेस अल्फा इंटू टी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए हमने अल्फा यूज किया, ये टी हो गया और ये ए सी की कितनी इंक्रीमेंट हुई है ए सी में। ठीक वैसा ही हम जानते हैं कि जब इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीज लेंथ तो होती है पर उसकी जो डायमीटर होता है या जो उसकी विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है तो उसके लिए हम बीटा यूज करते हैं, दैट मीन्स लैटरल यूज करते हैं। सो बीटा इंटू टी इंटू ए सी। तो अगर ने हमने टी को कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा इंटू ए सी और आर सी डेस की वैल्यू हमने प्रीवियस जो हमने फाइंड आउट की पिछले स्लाइड में वो एल अपॉन रूट टू थी। यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ए सी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपका क्यूब है उसका एक पोर्शन अगर हम लेंगे तो वो एक स्क्वायर होगा और ये आपका हो जाएगा डायगनल ए सी। तो ये यदि कैपिटल एल है, ये वैल्यू भी कैपिटल एल है, तो डायगनल डेफिनेटली क्या होगा रूट ऑफ टू इंटू एल। तो रूट ऑफ टू इंटू एल बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन ऑल्सो फाइंड इट। सो रूट ऑफ टू इज ट्रांसफर रूट टू एंड रूट ऑफ टू इज इक्वल टू टू इंटू एल इंटू टी अल्फा प्लस बीटा इज हियर। सो नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सिग्मा बाय वाई एंड टू टी वन अपॉन सिग्मा सिग्मा बाय वाई। सो एल इज ट्रांसफर हियर बिकॉज स्मॉल एल ऑन कैपिटल एल इज इक्वल टू वॉट फाइव, हमें रिक्वायर्ड है ईटा की कैपिटल टी अपॉन फाइव। सो नाउ दिस ऑल वैल्यू को हमने ट्रांसफर किया कैपिटल टी के नीचे हम फाइव को ले आते हैं जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाए ईटा की वैल्यू मिल जाए। ओके नाउ हियर टू वन प्लस वाई सिग्मा अपॉन वाई, ओके वाई इज कॉमन सो ट्रांसफर दिस ऑल ओपन ऊपर जाएगा ये वाई आ जाएगा वाई अपॉन टू वन प्लस सिग्मा इज इक्वल टू वॉट ईटा, ईटा इज द वैल्यू ऑफ टी अपॉन फाइव। सो ट्रांसफर दिस ऑल वी गेट वाई इक्वल टू टू ईटा वन प्लस सिग्मा विच वी हैव टू रिक्वायर्ड। बहुत इजी डेरिवेशन है, लेंदी जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, बल्कि बुक से आप प्रेफर कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा उससे ये वाला। आगे हम रिलेशन में चलते हैं। सेकेंड जो थर्ड रिलेशन है वो 9 बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाय ईटा प्लस 1 बाय के। सिंपल थर्ड रिलेशन। सो फर्स्ट रिलेशन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, सेकेंड इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने सिग्मा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की। सिग्मा फाइंड आउट करेंगे सो वाई अपॉन 2 ईटा माइनस 1, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर व्हाट थर्ड। दिस सिग्मा वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, 1 हमारा यहाँ पर हमने पुट कर दिया ये वैल्यू को। ओके सो ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ सिग्मा के प्लेस पे आ गई। नाउ हमने ब्रैकेट रिमूव किया और आगे हमने कंटिन्यू किया, ये वैल्यू आई जिससे वाई इक्वल टू 3 के 3 माइनस वाई अपॉन। नाउ अंदर हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, आफ्टर रिमूविंग वी गेट 9 के माइनस 3 के ईटा अपॉन 3 के वाई अपॉन ईटा। ओके नाउ वाई वाले टर्म्स को वन साइड लिया, दिस टर्म इज वाई टर्म्स, सो ट्रांसफर इट वाई 1 प्लस 3 के अपॉन ईटा इक्वल टू 9 के एंड 1 प्लस 3 के अपॉन ईटा अपॉन के इज इक्वल टू 9 बाय वाई। 9 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय के प्लस 3 बाय ईटा। ओके ये हमें प्रूव करना। तो ये थर्ड रिलेशन हुआ। एक और छोटा रिलेशन हमारा लास्ट बचता है वो है फोर्थ रिलेशन। लेट्स गो फॉर सिग्मा इक्वल टू 2 के माइनस 3 के माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6 के। सो बहुत सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड रिलेशन दोनों वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ वी टेक इक्वल इन बोथ बोथ ऑफ वाई देन दोनों इक्वेशंस को हम अगर इक्वल कर दें, इक्वल कर लेते हैं तो 3 के 1 माइनस। नेक्स्ट सिग्मा वाले पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, पहले तो ब्रैकेट रिमूव हमने किया है, आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट सेपरेट द सिग्मा पोर्शन वन साइड। ओके सो वी गेट द सिग्मा कॉमन एंड ट्रांसफर इट, वी गेट 3 के माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6 के, रिक्वायर्ड फोर्थ रिलेशन। सो इलास्टिसिटी के जो कोफिशिएंट थे और एक पॉइजन रेशियो था, इन चारों के बीच जो चार रिलेशन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, ये हमने आज क्लियर किए। ओके थैंक यू वेरी मच।